गाइस हम लोग जा रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व और ये हमारा न्यू ईयर का पहला वीडियो और पहला ट्रिप है। सो लेट्स एंजॉय इट। ये सॉरी गाइस, मुझे पता है कि अभी ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है। चैनल पे बहुत बड़ा सा ब्रेक हो गया क्योंकि अभी मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, काफ़ी टाइम हो गया। बट अभी मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो बहुत कंटिन्यूटी में डालूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्टडीज़ होती है इसलिए मैं वीडियो उतना नहीं डाल पाती। बट या इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। सो गाइज, अब हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और कन्हैयास की कचौरी बहुत फेमस है जो अब हम लोग खाएंगे। ये अभी मैं अपना फेवरेट, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है गोलगप्पा खा रही हूँ, और पापा वीडियो शूट कर रहे हैं। आराम से खिला भैया। सो हम लोग फाइनली गेट पर पहुंच चुके हैं और वहां पे पहुंच के हमें पता चला कि जिप्सी स्टार्ट होने में अभी 2-2.5 घंटे थे, तो इतने हमारे पास टाइम था, या तो हम वहाँ पर वेट कर लेते या फिर पास में एकदम पास वहाँ पांडुपुल मंदिर है वहाँ पर जाने का भी ऑप्शन था। तो हम लोगों ने सोचा कि 2-2.5 घंटे में हम आराम से पांडुपुल मंदिर घूमकर आ सकते हैं, तो इसलिए अब हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। टिकट वगैरह हम लोगों ने ले ली। तो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर में और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस हम लोग दर्शन करके यहाँ से वापस जाएंगे क्योंकि हमें सफारी में जाना है। कैसा लग रहा है आपको अब तक का व्लॉग? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड यस, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जिसका नेम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे भी जाकर प्लीज फॉलो कर लेना। वहां पर मैं बहुत प्यारी प्यारी रील्स डालती हूँ, तो उसको भी जरूर देखना और लाइक कर देना। आप भी कभी पांडुपुल मंदिर आए हो? अगर आए हो तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप नहीं आए हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर आना, बहुत प्यारा है और जंगल भी बहुत अच्छा है देखने के लिए है, और वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे एनिमल्स भी है। सो गाइस, अभी हम लोग पांडुपुल से वापस आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं सफारी की राइड पे। हमारी जो ये जीप है ये 4x4 की, और यस अभी अंदर है और पानी के अंदर है वो रहा, देखिए। सो ये लेक है जो है एनिमल का वाटर पॉइंट, और यहाँ पे बहुत से एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं, और यहाँ पे डक वगैरह भी है जो थोड़ी बहुत होपफुली विजिबल है। अच्छा, पानी बहुत है, क्रोकोडाइल है और विंटर में जो कुछ माइग्रेटिंग बर्ड्स भी आते हैं, तो इसी लेक का। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर इसमें जो 3 रूट बना रखे, 3 रूट में आर्टिफिशियल वाटर। तो जो अभी आपको आवाज़ आ रही थी वो थे हमारे गाइडर जिन्होंने हमें पूरा वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया था और इस पूरे रिजर्व के बारे में कुछ बातें बताई थी। मार्च अप्रैल मई जून के अंदर सारा नेचुरल फॉन जब खत्म हो जाता है, तो जो मेन फिक्स पॉइंट हो जाता है उसके आसपास में टाइगर का, लेपर्ड का और बाकी जानवरों का दिखने की चांस काफी बढ़ जाता है, कैल्शियम की पूर्ति।
उसको वाटर पार्क। सो गाइज अब हम लोग पहुंच चुके हैं अलवर और अब बस ये डिनर कर रहे हैं। डिनर करने के बाद हम लोग जाएंगे घर। सो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया हो। जाते जाते लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।